जबरदस्त मेरे सामने खड़ी है पल्सर NS200 और इस पर करेंगे काफी बेसिक सी मॉडिफिकेशन। LED इंडिकेटर ये काफी डिसेंट से हैं, यानी कि जहां लगा दोगे ना इस तरीके से हिलेंगे नहीं। ये देखो कॉन्सेप्ट लेंगे वो लेंगे रेड एंड ब्लैक का, लाइक आप देख सकते हो हैंड ग्रिप भी रेड एंड ब्लैक है जो वाइजर जो कि कुछ इस तरीके से लगेगा आपकी बाइक पे। और ये हैंड गार्ड जो है ये भी ऑल ओवर कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्लैक एंड रेड का। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये देखो कितना मैच हो रहा है। सो हेलो एवरीवन, आई होप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन गाइस। मैं हूं कोस्ट आपका दोस्त लेव के लिए कॉन टॉपिक एक और वीडियो एंड नाउ वाचिंग योर माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आपने सिनेमैटिक में देखा तो आज है पल्सर NS200 पर मॉडिफिकेशन की वीडियो और इस पर लगाने वाले हैं फ्रंट में मड गार्ड, वो भी ऑफ रोडिंग स्टाइल वाला। इसके अलावा हैंड ग्रिप, हैंड गार्ड, वाइजर, हैजार्ड सिस्टम और गाइस LED इंडिकेटर। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलो सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स एंड वीडियो लाता रहता हूं और बहुत सारी वीडियो आपको मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएंगी काफी सारी बाइक्स एंड स्कूटीज की, चेकआउट कर लेना गाइस। सो गाइस, आज के सिनेरियो में आपको दिखाने वाला हूँ, आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है पल्सर NS200 और इस पर करेंगे काफी बेसिक सी मॉडिफिकेशन। और जो मॉडिफिकेशन करने वाला हूँ वो मैं आपको दिखा दूँ, लेकिन उससे पहले एक बार आप देख सकते हो बाइक का ऑल ओवर बैकग्राउंड। देखो सर, पहले इंडिकेटर लगा रखे थे कुछ इस तरीके से जो कि रनिंग में, लेकिन ये मतलब उतने अच्छे नहीं लग रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा ये आउट हो रहे हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे LED वाले इंडिकेटर और ये वाला जो इंडिकेटर है ये इतने मतलब इतने डिसेंट से नहीं है, है तो बढ़िया लेकिन डिसेंट से नहीं है, तो वो चीज़ नहीं आ रही जो आनी चाहिए। और सेम पीछे भी लगा रखे थे लेकिन पीछे वाले हटा दिए हैं, चेंज कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें आज ऐड करने वाले हैं अपनी NS में। सो गाइस, वाले इंडिकेटर हटा के लगाएंगे ये वाले इंडिकेटर, इसका नाम है LED इंडिकेटर। ये काफ़ी डिसेंट से हैं और ये स्टे रहेंगे एक जगह पर, यानी कि जहाँ लगा दोगे ना इस तरीके से हिलेंगे नहीं। ये देखो आज क्योंकि बाइक चलते समय काफ़ी बेकार रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से हैं। और ये LED इंडिकेटर है तो ये लगाएंगे, दो पीछे दो आगे पूरा सेट लगाएंगे 4 इंडिकेटर का। सो गाइस, इसके अलावा दो ये वाले इंडिकेटर हैं जो आपको देख सकते हो, यानी कि दो वाले और दो वाले। इसके अलावा गाइस लगा रहे हैं इसमें हैंड ग्रिप और गाइस सारी मॉडिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट लेंगे वो लेंगे रेड एंड ब्लैक का, लाइक आप देख सकते हो हैंड ग्रिप भी रेड एंड ब्लैक है जो काफ़ी डिसेंट सी लगती है और इसमें आपको 12 एंड मिल जाते हैं। सो गाइस, ये आप दोस्तों ये रबड़ की है लेकिन ये चीज़ जो है ये मेटल में है। ये देखो काफ़ी डिसेंट सी लुक आएगी लगने के बाद, ये यूनिवर्सल है, किसी बाइक किसी भी स्कूटी में आप लगा सकते हो, जस्ट प्लग एंड प्ले, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। सो गाइस, नेक्स्ट आइटम है ये है वाइजर जो कि कुछ इस तरीके से लगेगा आपकी बाइक पे और काफ़ी डिसेंट सा है और इसमें मेटल के भी आते हैं बट ये जो है प्लास्टिक का है और काफ़ी अच्छा लगता है। इसको प्रॉपर क्लैंप के साथ इंस्टॉल करेंगे ताकि ये वाइब्रेशन ना करे और काफ़ी डिसेंट सा लगे। इस पर आप ग्राफिक भी करा सकते हो कलर के हिसाब से और डिज़ाइन के हिसाब से, सिंपल भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो स्मोक ग्रे में काफ़ी डिसेंट सा लुक दे रहा है, हल्की सी इसमें ट्रांसपेरेंसी भी है। नेक्स्ट है गाइस, ये है हैंड गार्ड और ये हैंड गार्ड जो है ये भी ऑल ओवर कॉन्सेप्ट लिया गया है ब्लैक एंड रेड का। अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊँ तो ये देखो कितना मैच हो रहा है, ऐसा लग रहा है ये इसका हिस्सा ही है, जैसे कंपनी से आया हो। देख रहे हो, इसे कहते हैं प्रॉपर मैच, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से लगेगा जो कि लगने के बाद बहुत ही डिसेंट लुक आएगी, मतलब हैंड गार्ड और वाइजर जब लग जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा इस तरीके से, क्योंकि कलर प्रॉपर तरीके से मैच हो चुका है। कॉन्सेप्ट देखो गाइस, ठीक है। इसके अलावा गाइस सिमटेक के हैजार्ड भी लगा रहे हैं जिसमें आपको 40-50 तरीके के पैटर्न मिलेंगे ताकि चारों इंडिकेटर आपके एक साथ जलें। सो इसके अलावा इसका मड गार्ड भी चेंज किया जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से क्रैक हो चुका है, इसको जो है लगा रखा है नॉर्मली, बाकी ये चेंज किया जाएगा और देखते हैं कौन सा वाला इसमें लगाएंगे जो मैं आपको दिखाई दूंगा। अब ये सारी एक्सेसरीज पहले फिट कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं फाइनल पर लुक कैसा आता है आफ्टर मॉडिफिकेशन। सो गाइस, जब की पल्सर NS200 थी वो हो चुकी है कंप्लीट और कुछ फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके से आ रहा है। देखो यहाँ पर जो इसका स्टॉक आता था ना मड गार्ड, वो टूटा हुआ था तो उसको हटा दिया है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको एक बार, जो कि याद तो यहाँ से ख़त्म था तो इसकी जगह पर लगा दिया ऑफ रोडिंग वाला और ये भी काफ़ी हैवी था यार। और इसको हटाने के बाद जो लुक आया वो काफ़ी स्पोर्टी आ गया। यहाँ से देखो गाइस, अब इसमें टायर लग जाएगा ऑफ रोडिंग वाला, उसके बाद एक अलग ही लेवल का लुक आने वाला है। तो ये आप देख सकते हो, तो गाइस आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का लुक आ रहा है और उसको ब्लैक कलर में लिया गया, आप रेड में भी ले सकते हो, तो ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पे। ये कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हो। इसके अलावा जो वाइजर लगाया था वो आप देख सकते हो बड़ा डिसेंट सा लग रहा है और इस पर आप चाहो तो रैपिंग भी करा सकते हो, बट ये नॉर्मल ही छोड़ रखा है स्मोक ग्रे में, तो ये काफ़ी डिसेंट सा लग रहा है जो कि कुछ इस तरीके से लुक आ रहा है। यहाँ से जो हैंड गार्ड मैंने आपको दिखाए थे वो लगने के बाद कुछ इस तरीके से दे रहे हैं लुक। ये देखो हैंड गार्ड का बेसिकली जो वर्क होता है वो होता है इनकेस कभी अगर आपका बाइक गिरता है ना तो आपके क्लच एंड लीवर टूटते नहीं है और बहुत ही डिसेंट तरीके से लुक भी देते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। इसके अलावा जो हैंड ग्रिप मैंने आपको दिखाई थी वो कुछ इस तरीके से लग गई है, ये देखो गाइस, और ये भी कलर से मैच है आपके। यहाँ से देखो गाइस, और यहाँ वाले एंगल से कुछ इस तरीके का आपको व्यू मिलने वाला है जब आप बैठोगे बाइक पे, तो ये देखो। और गाइस जो हैजार्ड था उसका स्विच है यहाँ पर, जितनी बार आप इसको ऑन ऑफ करोगे ना उतनी बार इसके पैटर्न चेंज होते रहेंगे, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। सो गाइस ये देख सकते हो आप, जितनी बार मैं इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ ना उतनी बार इसके पैटर्न चेंज, ये देखो। तो ये भी इसमें फीचर है, काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं जो आपको अच्छा लगे वो आप सेट कर लेना इस पर, तो ये भी एक चीज़ है। और गाइस इसके अंदर का हेडलाइट का बल्ब भी चेंज किया है, जो हैलोजन आता है ना पीला जलता है तो उसको हटाकर ये वाला लगा दिया, जो बहुत बेस्ट क्वालिटी है हैलोजन से अगर कंपेयर करूँ तो। ये देखो गाइस, ये आईडी दिखा रहा हूँ मैं आपको,
तो ये भी चेंज है। सो गाइस ये आपके एलईडी वाले इंडिकेटर जो कि बहुत डिसेंट से लुक देते हैं, ये देख सकते हो गाइस। तो ये इंडिकेटर एलईडी वाले बड़े डिसेंट से लुक दे रहे हैं। और अगर बैक साइड से मैं आप दिखाऊँ तो ये भी इसमें लगा दिए गए, देखो काफ़ी अच्छे हैं। और जो पहले लगे थे वो काफ़ी वाहियात से लग रहे थे, लटक रहे थे, तो ये काफ़ी डिसेंट से लुक दे रहे हैं। देखो एक्चुअल में ये है, आपने के टी एम पे देखे होंगे। और ये है गाइस सीट कवर जो कि ब्लैक एंड रेड, ऑल ओवर कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ब्लैक और रेड का था, तो उसी हिसाब से सीट कवर भी मैच किया गया जो कि बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऑल ओवर मॉडिफिकेशन मैंने आपको दिखाई थी, बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगी जिसमें और भी इसमें एक्सेसरीज लगाई जाएंगी गाइस। ये थी आपकी पल्सर NS 200। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, थी आपकी पल्सर NS 200 पर मॉडिफिकेशन की वीडियो जो मैंने आपको दिखाई। कुछ रह गया तो कमेंट करके पूछ लेना, बाकी प्राइसिंग वगैरह के लिए आप कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर और एड्रेस भी है। दिल्ली के रहने वाले हो तो डायरेक्ट आ सकते हो आप शॉप पर। तो मैं आपसे उम्मीद है मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।